हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं समर फेशियल। गाइस, समर में हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल हो जाती है एंड चेहरे पे बिल्कुल भी ग्लो एंड ब्राइटनेस नहीं होती। सो इस वाले फेशियल में हम बहुत ही सिंपल से स्टेप करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आएगा। आप इसका एक विजिबल रिज़ल्ट देख पाएंगे एंड काफ़ी अच्छा डिफरेंस देख पाएंगे आप बिफ़ोर एंड आफ्टर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा चेहरे को साफ़ करना, यानी कि क्लेंजिंग। और क्लेंजिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी टमाटर, बहुत ही अच्छे से हमारे चेहरे को करेगा साफ़। ऑल्सो जो डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने स्कार्स हैं या फिर किसी भी तरीके का स्पॉट्स है, उसको भी ये धीरे धीरे हल्का कर देगा और फिर ख़त्म कर देगा। ऑल्सो अगर आपको टैनिंग की प्रॉब्लम है तो भी ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। सो इसका जो जूस है हम इस तरीके से स्क्वीज़ करते जाएंगे और अपने फेस पे हम इसको अप्लाई करेंगे। सो गाइस, फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद अब हम इसको 2 मिनट के लिए अपने फेस पे ऐसे ही रहने देंगे एंड उसके बाद हम अपने फेस को वॉश नहीं करेंगे। उसके बाद हम करेंगे स्क्रब। इसके ऊपर ही हम अपना स्क्रब यूज़ करेंगे एंड उसके बाद हम अपने फेस को वॉश करेंगे। सो स्क्रब के लिए मैं यूज़ करूँगी बेसन, के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं एंड ये सबके घर में इजीली अवेलेबल भी होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर लूँगी 1 चम्मच बेसन। यहाँ पर मैं ये 1 चम्मच बेसन मैंने इसमें ऐड कर लिया। इसमें ऐड करेंगे सिर्फ पानी, और कुछ भी ऐड नहीं करना हमें, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिन लोगों को बेसन सूट नहीं करता वो यूज़ कर सकते हैं मसूर दाल का पाउडर या फिर चावल का आटा। अब हम इसके ऊपर ही इस अपने फेस को स्क्रब करेंगे अच्छे से। गाइस, फेस को अच्छे से स्क्रब करने के बाद मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी। सो गाइस, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है। अब हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे फेस मास्क, और इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये प्लांट एलोवेरा जेल। सो प्लांट एलोवेरा जेल को यूज़ करने से पहले आपको उसका येलो लैटेक्स रिमूव कर लेना है, क्योंकि उससे आपके फेस पर हो सकता है ईचिंग। उसके बाद आपको इससे अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। एलोवेरा जेल को अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको इसे 15 मिनट्स के लिए अपने फेस पे रहने देना है एंड उसके बाद हम अपने फेस को वॉश करेंगे। सो गाइस, जिन लोगों को प्लांट एलोवेरा जेल सूट नहीं करता वो लोग मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ऑल्सो ये आपके फेस को क्रिस्टल क्लियर एंड ग्लोइंग भी बनाएगा। सो अब मैं अपने फेस पर इसे 15 मिनट्स के लिए रहने दूँगी एंड उसके बाद हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे। सो गाइज, मैंने अपने फेस को कर लिया है वॉश एंड समर की वजह से जो हमारी स्किन डल हो जाती है ना, इस फेशियल को फॉलो करने के बाद आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी एंड आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील होगा। सो इस फेशियल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीक में एक बार आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को कर ले लाइक। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, टिल देन बाय।